वहीं ग्वालियर में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर लूटने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 कट्टे, गैस सिलेंडर और कटर बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि पकड़े गए तीनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 11 अप्रैल को डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर लूट लिया था। टैंकर में भरे तेल की कीमत 31 लाख थी। मामले की तहकीकात कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर धौलपुर हाईवे से आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल सभी बदमाशों से उनके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। थाना क्षेत्र में की फैक्ट्री रोड है, उस पर टैंकर जो जा रही थी, एक स्कॉर्पियो से पहले उसको गाड़ी टैंकर को ओवरटेक किया गया, आगे ले जाकर टैंकर को फिर ड्राइवर और जो क्लीनर है इनको उतार कर बंधक बना लिया गया और टैंकर लेकर फरार हो गया। कल मुखबिर के सूचना पे धौलपुर मुरैना हाईवे पे 3 आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा, जिनके पास से लोडेड कट्टे 3 कट्टे भी मिले थे।